वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालिया कुकिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भरमा भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम सीखेंगे कि भरमा भिंडी कैसे बनाते हैं। भरमा भिंडी बनाने के लिए मैंने कुछ भिंडी ले ली है, इनको दोनों साइड से कट कर लिया है और बीच में से भी कट कर दिया है। अब हम भरमा भिंडी के लिए मसाला तैयार करते हैं। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और आधा चम्मच हल्दी ले लेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर और थोड़ा सा हींग लेके इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैंने एक चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब हमारा मसाला भरमा भिंडी के लिए तैयार है, तो हम मसाला भरना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मसाला लेके मैं भिंडी में इस तरह से भर दूंगी और इसको थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि मसाला बाहर ना निकले और इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हम सारी भिंडियों में मसाला भर लेंगे। अब हमें एक पैन में तेल गर्म करना है भिंडी बनाने के लिए। अब तेल गर्म हो चुका है, अब हम सभी भिंडियों को एक एक करके तेल में डाल देंगे। अब हम भिंडी को ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं कि भिंडी तैयार हुई है या नहीं। ये देखिए, भिंडी एक तरफ से पक चुकी है और अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम इसको दोबारा से ढककर 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम फिर से इसको चेक करते हैं। ये देखिए, भिंडी हमारी पककर तैयार हो चुकी है और देखने में भी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट लग रही है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और हमारी भिंडी सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है और हम इसको अब सर्व कर लेते हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी भरमा भिंडी की सब्ज़ी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।